सत्संगत जी प्यार से कहिए तो सत्संगत, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सद्गुरु का तत्व रूप में जन्म नहीं होता, क्योंकि तीन काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार, ये हम रोज़ पढ़ते हैं, हम जानते हैं। पर ये जब हम सब के लिए, इस पूरी मानवता के लिए, इस कायनात के भले के लिए, परोपकार के लिए अवतरित हुए, उसी सत्संगत लम्हे को मुबारक माना गया और उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच्चे पातशाह का जन्मदिन भी है और साथ में उससे प्रमुख हम सब के लिए गुरु पूजा दिवस है। सच्चे पातशाह का जन्मदिन बाबा जी कहते हैं तभी मुबारक होगा अगर मेरे वचनों पर हम चल पाएँ, सदगुरु के शब्दों पर। और समस्त जगत सत्संगत आज शुभकामनाएँ तीन लोक के स्वामी, तीन लोक नौखंड के स्वामी सदगुरु को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी में सत्संगत हमारे देश के रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। और दास वो पत्र पढ़ देता है, आदरणीय गुलाटी साहब बुके और वो पत्र सच्चे पातशाह के चरणों में भेंट कर रहे हैं। आई जस्ट लाइक टू रीड इट आउट बिफोर मनीष जी कम्स। उन्होंने लिखा है, सम्माननीय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, दिनांक 23 फरवरी 2016 को आपके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पिछले अनेक वर्षों से आपने प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता, शांति और सौहार्द के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता के लिए अनुकरणीय कार्य किया है एवं अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है। इसके लिए रेल परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। भविष्य में मैं आप इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु रहने की मंगल कामना करता हूं। सादर सुरेश प्रभु। अब सत्संगत और क्या रह गया स्वीकृति में? पूरा समाज, पूरा विश्व, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों, चाहे किसी प्रकार की भी धाराएं हैं इस विश्व में, इस समाज में, सभी आज स्वीकार कर रहे हैं कि सदगुरु बाबा जी की शिक्षा दीक्षा और मिशन का जो सत्संगत मूल ज्ञान और शिक्षा है, जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं पूरी मानवता के लिए आज बहुत आवश्यक है।